ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना, कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाला रोग है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। हमें इस वायरस से बचने के लिए अक्सर हाथ साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए और अपने चेहरे, नाक, मुंह और आंख को अक्सर ढक के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिन्हें छींक या खांसी आ रही हो उनके संपर्क में ना आइए। छींकने और खांसने के समय अपने नाक और मुंह को ढकें। अगर आपकी तबीयत खराब है तो निश्चित तौर से घर पे ही रहें। यदि आप विदेश से आए हैं या किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं तो खुद को एकांतवास में रखें, यानी सेल्फ क्वारंटीन में रहें। कोरोना वायरस की जानकारी हेतु 1800-200-80 पे कॉल कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। ये शांत और सुरक्षित रहने का समय है। इस जानकारी को अधिक से अधिक फैलाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। हेलो ऑस्ट्रेलिया, दिस इज रणबीर कपूर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है, जाने ना जाने ना, बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल, माने ना। जी दोस्तों, बदतमीज दिल माने ना, और मेरा भी नहीं मान रहा है, और मैं तो हमेशा आ जाता हूँ जी हाँ अपना दिल लेके आपसे गपशप करने, बातें करने। जी हाँ, आज है फ्राइडे, 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 जी हाँ फ्राइडे है आज, और आज है 17 अप्रैल 2020, और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को कहता हूँ सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, सकुशल होंगे, अपने घर में होंगे, आराम कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसे मैंने फ्राइडे की बात की तो हमेशा कितने महीनों क्या कितने सालों से मैं ये कहता रहा हूँ कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज वो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सोचते थे फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब तो फ्राइडे का वो चाम ही चला गया, सैटरडे का भी चाम चला गया, वीकेंड का भी चाम चला गया, क्योंकि रोज ही जी हाँ रोज ही संडे ही है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हो, चाहे भारत में सुन रहे हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, सब जगह आप लोग अपने घर में बंद हैं। चलिए ऐसा ही करते रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि आप घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी वजह से तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए, बहुत ज़रूरी है इस कोरोना वायरस के मौसम में। मौसम की बात करें तो कैनबरा में, जी हाँ कैनबरा में से मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, बहुत खूबसूरत दिन है, हल्की हल्की हवा है और थोड़ी सी ठंडक है, थोड़ी सी गर्मी है, और इस समय जो वेदर का टेम्परेचर, जी हाँ टेम्परेचर है, वो है 16 डिग्री, बहुत है, और 19 डिग्री तक जाएगा, कल भी 17 है, परसों 15 है। तो आपके शहर में क्या वेदर है, क्या मौसम है, वो बताइए, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, फ़ोन कर सकते हैं आप, अपना फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं 04218980095, नहीं तो ईमेल करना चाहें tadka@radiomanpasand.com। वेबसाइट से हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक से आप हमें जुड़ सकते हैं, अगर आपने फेसबुक हमारा पेज लाइक नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके अंगूठा दिखा सकते हैं प्यार से, जी हाँ प्यार से एक दबा दीजिए। जी हाँ, चलिए आज की प्रोग्राम के बात करूँगा तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस के बिना कोई भी प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। कोरोना वायरस की बात करूँ तो इसका कहर, इसका जहर पूरे विश्व में छाया हुआ है, और यूएसए, यूरोप इससे बच नहीं पा रहा है, बहुत ही मुश्किल घड़ी है यूएसए में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, और इस समय जो विश्व में जो केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस केसेस, इन्फेक्टेड केसेस, इस संक्रमित लोगों, जी हाँ संक्रमित, प्रदीप सेन आप सुन रहे हैं ना, इसको इन्फेक्शन को बोलते हैं संक्रमित, और संक्रमण वायरस को बोलते हैं संक्रमण। ये मेरी हिंदी भी बिकॉज़ कितने साल हो गए मुझे, 50 साल हो गए, आज आजकल संक्रमण और संक्रमित बोल बोल के मेरा टंग ट्विस्टर हो रहा है, लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। चलिए कोरोना वायरस की केसेस की बात करो तो विश्व भर में दो मिलियन से ऊपर लोग हो गए, 2 मिलियन, 21 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, और करीब 1,45,000 लोग इसके शिकार हो चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि 5,75,000 लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएसए, जैसे बोल रहा था, यूएसए
की हालत बहुत खराब है। यूएसए में करीब इस समय 6,77,000 लोग इससे प्रभावित हैं। नए केसेस 30,000 रोज नए केसेस आ रहे हैं और जो उनकी मौत हो रही है वो 2,000 रोज मारे जा रहे हैं। तो इस समय 34,000 लोग यूएसए में मारे जा चुके हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। जी हाँ, स्पेन, इटली, फ्रांस में भी इसका कहर जारी है और कोहराम मचा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी खुशखबरी है। जी हाँ, अगर हेल्थ अथॉरिटीज़ की माने, जिसे वो अपने टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फ्लैटन द कर्व, तो फ्लैटन द कर्व हो गया है और काफ़ी कहते हैं कि थोड़ा सा डिप कर रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ये कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रोल्ड है। और कोरोना इस समय मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो केसेस हैं, इन्फेक्टेड केसेस हैं, जी संक्रमित केसेस हैं, वो है 6,04,068 और जो इनकी मौत हुई ओनली 63, जी हाँ 63 लोग इनके एक शिकार हो चुके हैं। लेकिन रिकवर्ड केस, जी हाँ मैं बोलूँ ऑस्ट्रेलिया में 3,700 लोग इससे बच के निकल गए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। एसीटी की बात करें, कैनबरा की बात करें, तो 103 कन्फर्म्ड केसेस है, लेकिन अभी यहाँ केवल 3 लोगों की मौत हुई है और 4 दिन से एक भी केस नहीं आया है निकल के, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आप सब लोग कैनबरा वासियों अपने पीठ थपथपाइए कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। जी हाँ, स्टे एट होम, एसेंशियल ट्रैवल बिल्कुल ऑलमोस्ट निल कर दीजिए। असेंशियल ट्रैवल की ज़रूरत ही क्या है, बस खाली आप जाइए शॉपिंग, अपने दूध ब्रेड जो भी लाना है, सब्जी वगैरह लेकर घर आइए और घर में आराम से रहिए और ये हमारा रेडियो मनपसंद सुनते रहिए, टीवी देखिए, कुछ भी कीजिए लेकिन अपने घर में रहिए। अगर हाँ जॉब के लिए जा रहे हैं ठीक है, बच्चे भी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर में रहिए, उनके साथ टाइम बिताइए। दिस इज़ अ टाइम फॉर क्वालिटी फैमिली टाइम। और जहाँ कोरोना वायरस की, जी हाँ कोरोना वायरस ने वैसे तो काफ़ी कमर तोड़ रखी है, पूरा संसार रुक गया है, सब लोग और सबके चेहरे थोड़े से उदासी हैं, मायूस हैं कि हस्ती खेलती जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी जो हुआ करती थी उस पे ब्रेक लग गया है। लोग घर पे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बच्चे साथ में रहते हैं तो घर ऑफिस का काम करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है। लेकिन हाँ जी, बाहर जा सकते हैं, सोशलाइजिंग करना तो बंद है लेकिन ऑनलाइन सोशलाइजिंग आप करते रहिए, किसी को भी फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, गपशप कीजिए। आजकल तो बहुत सारे मीडियम, डिजिटल मीडियम है, ऑनलाइन मीडियम है जिससे आप गपशप कर सकते हैं। चलिए, आप जो भी कर रहे हैं लेकिन आप ये बस ये ध्यान रखिए कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें, और लेकिन फिर भी चिंता तो बनी रहती है कि कभी बाहर निकले कुछ हो जाए तो क्या होगा, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। और फिर टीवी न्यूज़ देखिए, व्हाट्सएप न्यूज़ देखिए, फेसबुक पे जाइए, जितने भी सोशल मीडिया है उससे थोड़ा सा आदमी डिप्रेस तो होता ही है, ये तो है, स्ट्रेस भी होता है, आप सब, मैं भी होता हूँ, आप भी होते होंगे, लेकिन इस डिप्रेशन स्ट्रेस से बचने के लिए यही है कि आप थोड़ा सा सोशलाइजिंग, ऑनलाइन सोशलाइजिंग करते रहिए, बात करते रहिए, गपशप करते रहिए अपने फैमिली मेम्बर से, माता पिता से, फ्रेंड से, जिससे भी। और किसी ने बहुत सालों से, कई सालों से, महीनों से फ़ोन नहीं किया, उनको फ़ोन करके बात कीजिए, बस यही पूछ लीजिए, हाउ आर यू, आर यू ओके, बस इतना ही काफ़ी है लोगों से गपशप करने के लिए। चलिए, आप लोग घर में बंद हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आपने कुछ नया कुछ सीखा, क्या कुछ नया कुछ स्किल, जी आजकल देखने में आ रहा है जितने भी सोशल मीडिया पे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं वो है खाने के। जी हाँ, सब लोगों ने खाना बनाना सीख लिया है, नहीं तो नई नई क्विजींस ट्राई कर रहे हैं। आपने कुछ नया सीखा है? जी हाँ, गार्डनिंग करने लग गए हैं, ये कुछ लिखने लग गए हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, कुछ नया कर रहे हैं कुछ। और आपने जो ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, घर में ही हैं, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं या योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कर रहे हैं, या आपने रेडियो शुरू कर दिया मेरी तरह, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हैं, क्या करना आपने शुरू किया, चलिए ये मेरे को बताइए। आप फ़ोन कीजिए 04218980 या लाइव बातें होंगी। जी मैं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और साथ में ईमेल करना चाहें tadka@radiomanpasand.com, फेसबुक से भी आप जोड़ सकते हैं, वहाँ से भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और जहाँ सिंगिंग की बात करें तो मेरा एक प्यारा सा दोस्त है, जी हाँ IIT के ज़माने का दोस्त है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, हम साथ पढ़ते थे जी, और करीब 25 साल बाद हम लोग मिले। 2014 में हमारा एक 25 साल का रीयूनियन हुआ था, और उनका दोस्त का नाम है श्री सुनील तपाड़िया जी, और उनसे वहाँ मुलाकात हुई, और वैसे तो बहुत सभी से हुई, मेरे ख्याल से पूरा बैच 89 हमारा जो बैच था वो सब सबसे मुलाकात हुई,
तपड़िया जी से भी हुई, लेकिन तपड़िया जी की शायद अभी हाल ही में गपशप हुई, क्योंकि आजकल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने अपना शेयर किया कि उन्होंने सिंगिंग शुरू कर दी, गजिया गाने का शौक उनका नया अभी उन्होंने पकड़ा है और बढ़िया गाने गा रहे हैं। उन्होंने कई सारे मेरे को MP3 शेयर किए, मुझे अच्छा लगा, तो चलिए आज उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और वो कहाँ हैं? वो जी हाँ, वो हैं नोएडा नई दिल्ली में। चलिए उनको मैं खटखटाता हूँ, उठाता हूँ, जगाता हूँ, घंटी मारता हूँ और उनसे थोड़ी सी गपशप करता हूँ, पूछता हूँ कि ये शौक उनको कैसे लगा और क्यों लगा और कुछ ऑनलाइन जी हाँ हमारे मेरे रेडियो शो में कुछ वो कुछ लाइव सिंगिंग करेंगे तो मजा आएगा। जी आप भी लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप ये जी प्रोग्राम सुबह 10 से 11 बजे रोज हर वीकडे सुन सकते हैं, और संडे को हम आते हैं 10 से 12 बजे दो घंटे का शो लेकर। तो बस लगे रहिए जी रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। जी रेडियो मनपसंद हो गया है 24 घंटे सातों दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में, और यही गीत मैं गुनगुना रहा हूँ। सुनील जी आप उठ गए ना, आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत है, और आप भी को जगाने के लिए मैं ये गीत लगा रहा हूँ लता मंगेशकर और हेमंत मुखर्जी की आवाज़ में, और कह रहा हूँ याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, चुनती बहार है कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, ऑन एयर आओ, लगे रहो, सुनते रहो रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, किस ख्याल में, ओ, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहां मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ढल चुकी है सुबह हो गई, ओ, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, ओ, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, ओ, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई, अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। ओ, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, हमारी राह के चराग हो, ओ, तुम
जिंदगी के बाग हो। किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। जी हां, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। और हमें देखिए, रूपा जी ने एक टेक्स्ट भेजा है, बोल रहा है कि मनीष भाई आज क्या बात है, आज पुराने गाने लेकर आए हैं। जी हां, मैं आज पुराने गाने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पुराने दोस्त मिल गए हैं। और चलिए, एक उनमें से एक प्यारा सा दोस्त मेरे साथ ऑनलाइन इस समय मेरे साथ मौजूद है, और वो हैं श्री सुनील तपाड़िया जी, ऑल द वे फ्रॉम नोएडा नई दिल्ली से। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीष भाई, मेरा आपको और आपके रेडियो मनपसंद के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या बात है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपकी तो सुबह हो रही होगी, मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी उठा दी आपको सुबह सुबह। हाँ, ये अर्ली मॉर्निंग है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वंस इन अ व्हाइल आई कीप ऑन। अच्छा, इसके लिए जल्दी उठना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया टाइम में थोड़ा सा आगे, 4.5 घंटे हम लोग आगे हैं, तो बातें करने के लिए उठना ही पड़ेगा। चलिए, लाइव बात करने का मजा ही कुछ और है, रिकॉर्ड करके वो सुना सकते थे लोगों को, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। चलिए लाइव बात करेंगे। और सुनील जी, आप अपने बारे में बताइए, आपसे 89 में हम बिछड़ गए थे जब पास आउट किए थे IIT इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके, बनारस से हम निकल गए। फिर उसके बाद 25 साल बाद 2014 में मिले हम लोग, 25 साल की जो रीयूनियन थी उसमें काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, आपसे भी हुई। फिर तो अभी आपने फिर क्या क्या, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, जो उसके बाद की लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मनीष भाई, जैसे ही मैं वहां से पास आउट हुआ, हम लोग बड़े जोश खरोश से, आपको मालूम है, कैंपस से निकले थे। और मैंने तुरंत उसी समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया था। अच्छा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। उसमें काफी हमारे फ्रेंड्स थे, उसमें काफी सारे जितने भी कोलीग्स, काफी सारे कोलीग्स मेरे साथ ही थे। दमानिया भी था उसमें, दमानिया था, पीयूष थे, और सुन रहे हैं सौरभ वाज देयर, अच्छा, और इस तरह कई सारे लोग थे उस समय साथ में। अच्छा। तो काफी अच्छा रहा था शुरू में, मतलब यंग एज में आपको मालूम नहीं है किस तरह से होता है। जी, तो हमारा एक तरह से वो हॉस्टल लाइफ एक्सटेंडेड हो गया थोड़ा कुछ सालों के लिए। अच्छा। और अब लोग थे वहां पे, एक बड़ी खूबसूरत जगह है गढ़वाल में, कोटद्वार करके। अच्छा। तो हाँ, अब लोग वहां पे पोस्टेड रहे। आई थिंक इट वाज आल्सो वंडरफुल लाइफ देयर, बिकॉज मेरी बाद में जब मेरी शादी हुई थी तो वाइफ स्टेड विद मी फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद में जब हम लोग बाहर गए वहां से निकल के, तो आई थिंक वो काफी मिस करते थे उस लाइफ को। अच्छा। इतना एक तरह से कह लीजिए कि प्रकृति की गोद में एक वो जगह थी। अच्छा। और हम लोग का जैसे फ्लैट भी था कि जैसे दूर दूर तक खेत और नजर आते थे, और सब कुछ था, मतलब सोशल लाइफ भी थी, यू नो, और सारी अमेनिटीज भी थी, बट एट द सेम टाइम यू नो इट वाज अ पीसफुल एनवायरमेंट। वो तो है ही। तो वहां से करने के बाद फिर एक थोड़ा सा मन में होता ना कि यार लाइफ इतनी कंफर्टेबल क्यों है। अच्छा। थोड़ा सा इसमें तड़का लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा लाइफ को यू नो स्ट्रगल वाला बनाते हैं। तो देन उस टाइम में थोड़ा सा, उस समय इंडिया में मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का पदार्पण हुआ ही था, तो हमने उसमें फिर वो स्विच किया, देन स्टार्टेड वर्किंग फॉर एयरटेल। अच्छा। 4-5 साल उसमें यू नो जॉब किया था। अच्छा। उसके बाद में आई इवन मूव्ड आउट टू चाइना फॉर सम टाइम, एंड आई वाज वर्किंग फॉर एरिक्सन। चाइना में काफी, मेरे ख्याल से मैंने कोई 25 डिफरेंट सिटीज में प्रोजेक्ट्स किए थे चाइना में। अच्छा। अब तो अब तो चाइना भूल ही जाइए, चाइना को लग रहा वर्ल्ड मैप से निकाल ही देंगे हिसाब से माहौल है। बट चाइना वैसे क्या, चाइना कैसा लगा आपको वैसे, अगर देखा जाए, अगर भूल जाइए कोरोना वायरस नहीं था तो उससे पहले क्या, मतलब कैसे घूमने का शहर आपने बोला, कितने 20-25 शहर आपने घूमे? हाँ, बने एक्चुअली एक चीज वहां पे है कि
लैंग्वेज और खाने का अगर चैलेंज आपको अगर आपने किसी तरह से उसको मैनेज कर लिया, आई नॉट से कि वो उसको पूरा ही सरपास कर दिया, वो चैलेंज खत्म हो गया, बट अगर वो चैलेंज आपने मैनेज कर लिया तो फिर आई थिंक लाइफ वॉज वेरी स्मूथ। वो दिखने में ऐसे बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है चाइनीज लाइफ, लेकिन वैसे आपने कहा क्या खाना है और भाषा, वो तो है ही। जब वो तो भारत में भी कोई आएगा तो वो भी वो जैसे कोई यहाँ से ऑस्ट्रेलियन जाता है भारत में रहेगा वो भी यही परेशानी झेल सकता है कि भाषा और खाना पीना, अगर वो दोनों अगर प्यार करते हैं आप और तो आपको भाषा के साथ थोड़ा सा ये है कि मतलब बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि आप कोशिश कर सकते हैं सीखने का, बट चाइनीज वर्ड सर दैट की मतलब कुछ एक वर्ड्स आप सर्वाइव करने के लिए सीख जाते हैं, बाकी बड़ा ही मुश्किल मतलब जो लैंग्वेज होता है। इट वाज चलिए वो आपने सोचिए कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है। चलिए बहुत अच्छा, वो आपने बीड़ा पार कर लिया, फिर वापस भारत कब आना हुआ और फिर क्यों भारत आए? उस समय यह था कि मेरे बच्चे एक्चुअली बड़े हो रहे थे। अच्छा। मेरा बेटा स्पेशली यू नो स्कूलिंग एज का हो रहा था और उसको कुछ टाइम तक रखना भी पड़ा, पहले तो मेरे साथ घूमते रहे बच्चे और वाइफ और सब, तो इसके बाद में जब ये स्कूलिंग का थोड़ा सा यू नो कंसर्न आने लगा देन वी डिसाइडेड दैट यू नो वी रिटर्न बैक, लेट्स कम बैक बाय एंड ऑफ 2002 हम लोग वापस आ गए और फिर यहाँ आकर फिर मैं यू नो अगेन आई यू नो started joining something related to telecom because telecom is my core. So, अच्छा वो तो है यहाँ पे आके। अच्छा, तो अब हार्डवेयर में है सॉफ्टवेयर में है टेलीकॉम के? टेलीकॉम सर्विसेज में है एक्चुअली मेरा। अच्छा, अच्छा। शुरू से ही टेलीकॉम सर्विसेज में मेरा। ओके तो अभी अभी कहाँ पर आप? नोएडा में है स्थित, नोएडा की कंपनी। हाँ अभी मैं नोएडा स्थित में हूँ और नोकिया के लिए काम करता हूँ। नोकिया के लिए काम करते हैं, चलिए नोकिया की बातें होंगी। नोकिया ने अभी तो हाल फिलहाल में कोई मोबाइल मॉडल कोई लॉन्च किया है या जो पहले काफी पॉपुलर हुआ करते थे जो फ्लिप फोन्स? और हाँ उसको अभी भी क्या याद करते हैं, मैंने खुद भी यूज किया हुआ जो यू नो उसका, बट अभी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है नोकिया। अच्छा। The brand is working, but it's manufactured by another company called HMD. तो हम लोग basically you know जो network equipment है उसको you know manufacture करते हैं या उससे related services वगैरह हम लोग करते हैं। Right. All the new latest technologies हमारी company you know. अच्छा बढ़िया। Nokia का तो मेरे ख्याल से मेरा भी पहला ही फोन था, मेरे ख्याल से कितने लोगों का वर्ल्ड के कितने लोगों का पहला फोन नोकिया ही होगा, नोकिया ही वाज द लीडर इन द मोबाइल। कई लोगों की भावनाएं जुड़ी है सर जुड़े। और वो जो स्नेक का गेम था वो नोकिया का मेरे को फेवरेट था, मैं स्नेक का गेम बहुत खेलता था, वो बटन मुझे याद है मतलब शुरू में जब मोबाइल आता था मतलब हम लोग को टेलीकॉम इंजीनियर थे तो हम लोग को सबसे पहले उसकी मतलब एक्सेस मिला था। अच्छा हम लोग ऐसा शो ऑफ करते थे पता नहीं क्या हम लोग क्या हीरो हो गए हैं। उस टाइम में कॉल रेट भी बड़े हाई हुआ करते थे और वो एक अलग ही जमाना था। अलग ही जमाना था, चलिए उस जमाने को फिर याद करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, कोई लौटा दे बीते हुए दिन। जी हाँ बहुत। चलिए सुनील भाई आपसे और भी गपशप होगी, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और हमारे काफ़ी श्रोता भी सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एंटरटेन भी रखते हैं, बातें भी होती रहेंगी। तो जब म्यूजिकल ब्रेक में एक आप ही के पसंद का एक और प्यारा गाना है लग जा गले से फिर ये हसीन रात हो ना हो। जी हाँ शायद फिर कभी मुलाकात हो, और इतने सालों बाद हम लोग ऐसे गपशप कर रहे हैं लंबी बातें कर रहे हैं तो गले तो नहीं लगा सकते, आजकल कोरोना वायरस का जमाना है। ओमेगा से वर्चुअली गले लगा सकते, वर्चुअली गले लग सकते हैं बिल्कुल। अब तो वुहान शेक चल रहा है लेग से या कोनी मार के हैंडशेक होता है। चलिए लगे रही जी आप ऑनलाइन बने रही है और ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और हम बातें कर रहे हैं श्री सुनील तपाड़िया जी से जो कि नई दिल्ली से बात कर रहे हैं और इनकी जो सिंगिंग की जो टैलेंट है अभी निकल के आया है। जी हाँ और इस लॉकडाउन के उसमें जी हाँ और काफ़ी लोगों आप लोगों ने क्या सीखा, आपने कुछ किया कुछ स्किल नया सीखा या कुछ किया या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी बहुत दिन से सोच रहे थे यार ये करेंगे टाइम ही नहीं मिलता है टाइम ही नहीं मिलता, आप भी उस बारे में बात करना चाहें टेक्स्ट करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं 04218980095। बस लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी अब आपके हाथ में आपके साथ में
लग जा गले फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो। मेरे ख्याल से कई जन्म लगेंगे हम लोग जब लोग मिल पाएंगे। जी हाँ, स्पेशली जो हमारे विदेश में रहते हैं लोग, यहाँ लोकली तो डोमेस्टिकली तो मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ये कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि 4 हफ्ते के बाद हम सोचेंगे कि यहाँ पर जितने भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो सोशलाइजिंग वाले सोशल डिस्टेंसिंग के रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटाने की वो सोच सकते हैं। उधर भारत में बात करें तो लॉकडाउन जी हाँ 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। और भारत से हमें जी ज्वाइन किए हुए हैं श्री सुनील तपाड़िया जी। सुनील जी से और गपशप करते हैं। सुनील जी, आप ऑन एयर हैं? जी हाँ सुनील जी। अच्छा चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने कहा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है भारत में, तो आप इस लॉकडाउन की जिंदगी के बारे में बताइए हमारे ऑस्ट्रेलियंस को कि हम लोग इसको मतलब बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकते ऐसा कुछ हो सकता है। 130 करोड़ की जनता को घर में बंद कर दिया जाए, ऐसा कभी हमने कभी सोचा नहीं था। इट इज इम्पॉसिबल था, और ये कमाल में कल भारत सरकार ने और श्री मोदी जी ने कर दिया। तो आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, लाइफ स्टाइल कैसा होता है लॉकडाउन, मतलब घर में बंद रहते हैं या थोड़ी देर घर से बाहर भी निकलते हैं आप लोग? मनीष भाई, आई थिंक ये जैसे आपने सही कहा कि यू नो इट्स अमेजिंग थिंग कि 130 करोड़ लोग घरों में बंद है। ये सोचना भी, और इस तरह की मतलब कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी यू नो द काइंड ऑफ यू नो वर्क, जिस तरह का डिफरेंट काम लोग वर्क करते हैं, कोई माइग्रेंट लेबरर है, कोई यू नो रोज खाता है रोज कमाता है, उस तरह के लोग हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग है वहां पे, इस तरह की चीज होना इट्स अमेजिंग थिंग। बट आई थिंक ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नेसेसरी, और जिस तरह से लोगों ने, आई मीन एक दो एग्जांपल कुछ आप छोड़ दीजिए, तो जिस तरह से लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, वो चाहे आप यू नो जनता कर्फ्यू की बात करें, जहां यू नो एक कॉल था कि लोगों को 5 बजे आके और थाली बजा के और नहीं ताली बजा के लोगों को वो करना है, मोटिवेट करना है, तो मतलब एक अलग ही टाइप का एनवायरनमेंट था। मैं अपने यू नो फ्लैट की बालकनी में खड़ा होके रिकॉर्ड कर रहा था। इट वाज यू नो मतलब इस तरह का जो एक यू नो टुगेदरनेस उससे निकल के आया, उस इवेंट से निकल के आया, वो लाजवाब था। तो मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री का करेक्टरिस्टिक होता है उसको वहां के लोग डिफाइन करते हैं, तो वो निकल के क्लियरली यू नो आ रहा था, और उसके बिना आई थिंक ये लॉकडाउन पॉसिबल ही नहीं था। लोगों के यू नो एक्टिव सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो यू नो दैट्स हाउ इट इज मेड पॉसिबल। बट हम लोग की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ग्रोसरी के यू नो ग्रोसरी वगैरह के लिए निकलते हैं सुबह 4-5 दिन में एक बार कभी जरूरत होती है, तो अदरवाइज यू नो इससे बनाए चाहे जितनी भी चीजें हो रही होगी यू नो नेगेटिव जो हम लोग यू नो एक तरह से देखते हैं कि एक
खौफनाक सा जो मंजर है जो सामने आ रहा है रोज, यू नो कह रहा हूँ, बट इसके बहुत सारे एक्चुअली पॉजिटिव पहलू अगर हम लोग देखते हैं तो आई वुड से कि हम लोगों को जिंदगी सिखा दिया है इस वायरस ने, कैसे फुर्सत से जिंदगी जीना चाहिए वो सिखा दिया हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत चीजें हम लोग सोचते हैं ये करते क्यों थे और कितनी चीजें हमने सामान बटोर के रखी हुई, इसकी जरूरत भी नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हालात इसने जिंदगी का एक नया पहलू भी दी। तो चलिए आपके मतलब आर यू गाइज ओके, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, आप तो घर से काम कर रहे होंगे। हम एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा ये सौभाग्य है कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ तो बहुत सारी चीजें यू नो घर से हो सकती है, तो इस कारण से यू नो काम के मामले में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिसरप्शन एटलीस्ट मेरे को नहीं है। बट उन लोगों को डेफिनेटली सोचना है कि जिन लोगों का काम यू नो फिजिकल इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकता, किसी की फैक्ट्री है, किसी का यू नो लॉजिस्टिक का काम है या डिफरेंट टाइप के लोग हैं। बहुत तो अभी मिकाल से 3 महीने तक तो कुछ होने वाला नहीं है, और 3 महीने भी डाउट लग रहा है काफी लोगों को, जिस हिसाब से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद और भी बढ़ सकता है, बिकॉज इंडिया की जो अभी जो लेटेस्ट जो फिगर्स आंकड़े बता रहे हैं काफ़ी अच्छे नहीं हैं, और ये काफ़ी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, तो हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जाए। और चलिए, और इस बीच में आपने कुछ नया, आप जो बोला कुछ नया सीखा, तो कुछ आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया या सिंगिंग करना शुरू कर दिया, वो तो आपने भेज ही दिया, तो कुछ उस बारे में बताइए कि कब और कैसे कहाँ आपने ये सोचा कि कुछ करना चाहिए। एक्चुअली मैं अगर यू नो सिंगिंग और राइटिंग का बात करता हूँ तो ये मेरे शौक है एक्चुअली, हिंदी में यू नो लिखना और संगीत का मेरे को शुरू से ही शौक है। अच्छा, कॉलेज लाइफ में थे क्या आप, जब हम लोग साथ रह रहे थे वहाँ 4 साल जब बिताए बनारस में, तो क्या आप वहाँ पे भी लिखते थे गाते थे? मैंने कभी आपको सुना नहीं। हाँ डेफिनेटली, आपने नहीं सुना था मनीष, एक्चुअली क्या होता है हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका ये होता है सबसे पहला फोकस जैसे स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में रहेगा, वो तो है माँ बाप की अंधी दौड़ में लगे रहते हैं कि उनका विश्वास। हाँ नहीं, माँ बाप हो नहीं हो, लकीली मेरे साथ में कभी ऐसा माँ बाप की तरफ से प्रेशर नहीं हुआ था कि ये करना है या, बट एक इनहेरेंट जो होता है ना प्रेशर होता है कि नहीं कुछ करके दिखाना है, और तो ये उस दौरान में क्या है ये जो शौक है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में हो जाते हैं। तो बचपन से लेकर फिर पढ़ाई यू नो कॉलेज गए और फिर उसके बाद में नौकरी करना शुरू किया, वैसे मुझे मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ मेरे साथ में कि मेरे को जैसे होता था ना बात के प्रेशर के साथ में उस टाइम ये होता था कि कुछ गाने गा रहे हैं उनको बड़े से तोड़ मरोड़ के और यू नो बिगाड़ के गाने का एक पता नहीं कुछ एक शुरू हो गया था जी। तो मेरी वाइफ जो खुद भी अच्छा गाती है तो अच्छा। उनको ये चीज थोड़ी सी नागवार गुजरी की ये क्या है, मतलब आप क्यों बिगाड़ रहे हैं गाने को, स्पेशली जब आप लॉकडाउन में दोनों बंद हैं एक ही घर में तो उनको और ज्यादा खलता होगा कि ये बाथरूम में गाओ तो ठीक है, हाँ बाथरूम में गाओ तो ठीक है, मेरे सामने ये ऐसी तोड़ मोड़ के मत गाओ। तो वो उस टाइम में शुरू हुआ एक मतलब ऑब्जर्वेशन से, फिर बाद में बहस में बदली, फिर बाद में मतलब बिल्कुल जैसे हाइट जो झगड़े से जाके होती है। अच्छा। तो एंड उसका ये हुआ कि हमने फिर उनको प्रॉमिस किया कि नहीं आगे से हम इस तरह से नहीं करेंगे, एंड देन यू नो जब भी गाने गाने का मन हुआ तो आई स्टार्टेड सिंगिंग नेचुरली जैसे होता है, एंड देन फिर उसके बाद में एप्रिशिएशन मिलना शुरू हो गया वही तरह से कि नहीं देखा मैंने कहा था ना आप अच्छा गाते हो देखा सही है। उस तरह से करते करते फिर देन शी इनवाइटेड मी टू सम यू नो कल्चरल प्रोग्राम्स कम्युनिटी का कुछ था, एक जो पुराना गाना ना मिलने शुरू मेरा तो हमारा बहुत पुराना दूरदर्शन का था, उन्होंने कहा कि हम लोग मिलके कुछ कर रहे हैं तो एक मेल वॉइस चाहिए तो आप इसमें आ जाओ, तो वहां से जो शुरू हुआ उसके बाद में फिर बस चलता फिर रिकॉर्ड करते रहे गाना, आप लोगों को शेयर किया, लोगों ने पसंद बहुत बढ़िया शुरू किया, और इस तरह से फिर वहाँ आपके सारे तार भी मिल गए सुर भी मिल गए और आप दोनों का प्यार एकदम बढ़िया हो गया होगा। सही बात है, मैंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब उस चीज का ये असर हुआ मेरी लाइफ में कि आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द सिंगिंग, मतलब पहले जिस तरह से होता था कि ठीक है गाते थे लेकिन
अभी चाहे जैसा भी गा रहे हूँ लेकिन एक मतलब गाने में मजा आने लगा. वेरी नाइस. तो एक वो एक बड़ा पॉजिटिव चेंज मेरे को लगा. आपकी धर्म पत्नी ने आपको क्वालिटी चेक कर दिया तो और भी मजा आया तब तो फिर. चलिए आपकी आप की आवाज में कुछ एक गीत हो जाए. और अगर आपने मैडम की बात कर दी है तो चलिए उनके बारे में बताइए. वो भी जॉब करती हैं क्या? नहीं वो होममेकर है. इनफैक्ट यू नो दो बच्चे जब होते हैं घर में तो उसके बाद में इट्स मोर देन अ जॉब. वो तो है बहुत बड़ा जॉब है. और अब पता लग रहा है सारे जितने भी पति जो काम नहीं करते थे घर का उनको अब पता लग रहा है कि हाउस वाइफ कितनी काम करती है. हाँ सही बात है. इनफैक्ट यू नो जब ये नोटबंदी हुआ था उस समय मतलब कई जैसे एक न्यूज आती थी कि कई लेडीज के पास में यू नो डिफरेंट कैश निकल के आया है सबकी. उसी तरह से लॉकडाउन के टाइम में मतलब कई यू नो मेल कोलीग्स की पोल खुल रही है मतलब थिंग्स लाइक कि अच्छा आप यही करते हो घर से जब काम करते हैं. ये तो है. नहीं बहुत लोगों को आंखें खोल दी है बहुत सारे पतियों की जब मेड नहीं आ रही है तो आप सब मियां भी यही कह रहे हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर MAID. चलिए आप आपकी धर्मपत्नी का नाम शुभ नाम क्या है वो बता दीजिए. और कितने बच्चे हैं आपके? अरुणा है उनका नाम. अरुणा है. और जी आप सुन रही हैं तो आपको नमस्कार मेरा भी. और सुनने में आया कि आप सुनील जी को एकदम बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है सिंगिंग की. तो आप दोनों का एक गाना है जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो वो मैं अभी लगाऊंगा. लेकिन आप कुछ अपनी आवाज में कुछ गा के सुनाएं अपनी धर्मपत्नी के लिए अगर वो सुन रही होंगी ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनेंगी तो या सुन रही है लाइव इस समय जगी हुई है. देखना पड़ेगा मुझे जी शायद वो अभी तो सुबह हो रही है 6 बजने वाले नहीं तो साथ में गीत गुनगुनाते तो और अच्छा लगता. चलिए अपनी आवाज में कुछ उनके लिए प्यारा सा गीत गुनगुना दीजिए उसके बाद फिर ये हम अपनी श्रोताओं को ही सुनाते हैं आप दोनों की आवाज में ये प्यारा सा गीत. एक गाना जो उनको काफी पसंद है जो हम लोग शुरू में यू नो गाए करते थे तो इस तरह से है कि और आज के माहौल में काफी फिट भी बैठता है. बिल्कुल वो कुछ इस तरह से है. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. क्या बात है क्या बात है. बहुत बढ़िया सुनील जी. और आपकी आवाज में और भी गीत सुनेंगे लेकिन ये प्यारा सा गीत आप की और आप अरुणा जी की आवाज में अपने श्रोताओं को सुनाते हैं. जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो. आप लोग कहीं मत जाइए यहीं आइए रेडियो मनपसंद पर. जी हाँ पूरा 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में आपके साथ में. और लॉकडाउन के इस सफर में जी हाँ आप सब रहिए हमारे साथ. रेडियो मनपसंद है आपके साथ में लगे रहिए सुनते रहिए. मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष और मनपसंद मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. दिल की लगन की ये बात है प्यार की राह रसम की ये बात है न पूछो के तेरे कौन हो.
सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और बड़ा अच्छा लगता है। और जो मुझे तो अच्छा लगता है यार, दोस्तों से बातें करना। अब तो खैर बाहर निकल के गप, जैसे कहते हैं ना कि क्लब्स पब्स और जो पार्टियों में बात नहीं कर सकते, किसी के घर जा नहीं सकते, लेकिन फ़ोन पे तो गपशप हो ही सकती है। तो इस समय जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं श्री सुनील तपाड़िया जी, वो नई दिल्ली से बातें कर रहे हैं। और उन्होंने तो इस लॉकडाउन के इस सफ़र में जी हाँ बहुत कुछ सीखा, और सिंगिंग करना सीखा है, लिखना सीख लिया है, जी हाँ कविताएं भी लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपने भी कुछ किया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा नंबर है 04218980095। ईमेल कर सकते हैं तड़का@radiomanpasand.com। और हम पता लगा रहे हैं कि लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नई चीज़ उन्होंने इस लॉकडाउन में या इस जो कोरोना वायरस का जो मौसम चल रहा है इसमें, जो घर में बैठे बैठे आपने क्या क्या कुछ नया किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ अपने दिमाग को चलाते रहिए, क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ पे अच्छा रहेगा। आपका फिजिकल हेल्थ तो है ही, जी हाँ आप एक्सरसाइज करते रहिए, योगा मेडिटेशन तो है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से गपशप करना, कुछ ऐसी चीज़ करना जो आपने पहले कभी नहीं की है। और चलिए, सुनील जी मेरे साथ ऑन एयर बातें कर रहे हैं। सुनील जी, आपने गाना तो शुरू कर दिया, आपने ऑफ एयर बताया कि आपने लिखना भी शुरू कर दिया, इस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को कि क्या 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 किस टाइप की कविता आप लिखना शुरू कर दिया आपने। मनीष भाई, एक्चुअली मैंने जैसे पहले बताया था कि शुरू में बचपन में और स्कूल टाइम में, कुछ हद तक कॉलेज में और जॉब के बाद भी कुछ लिखने का शौक था, जो काफी सालों से एक तरह से बंद पड़ा था। तो ये लॉकडाउन के दौरान में, जॉब के बाद में कुछ बचा नहीं करने के लिए, तो मैंने फिर से वो उसको वापस शुरू किया शौक को।
और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में किस तरह की लाइफ है, नेगेटिव साइड, यू नो, डर है, हाँ। पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, माहौल है, बट साथ ही में कुछ बड़े ही पॉजिटिव एस्पेक्ट वो निकल के आए हैं जो मैं एक्चुअली एक अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ओह वेरी नाइस, तो बिल्कुल पढ़िए, इरशाद है। तो एक मतलब एक तरह से कह लीजिए कि एक टाइम का एक बहुत ही बड़ा अत्याचार है हम पे जो अभी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक क्या यू नो खूबसूरत मैसेज छिपा हुआ है उसके बारे में है। तो कुछ इस तरह से है कि ये कौन सी जमीन है, किस कदर का आसमान है, सहमी सी और डरी हुई ये कैसी दास्तां है। जिंदगी की तेजी से जो मांगता निजात था, आपाधापी के कहर से जो मांगता पनाह था। हम लोग जनरली अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, कई बार यार मरने की फुर्सत नहीं है यार, कुछ मिल जाए मतलब कोई थोड़ा फुर्सत मिल जाए। तो अब वो देखिए कि वो अब उनकी क्या हालत है। वो आज खुद निहारता बंद हुई दुकान को, वो आज खुद तराशता अपने उस मकान को। सब लोग लगे हुए अपने यू नो घर को चमकाने में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी की जोर से जिसे खड़ा किया था कल, काम की उधेड़ बुन में जा फंसा था उसका दिल। यानी जिसने पूरा पैसा लगाया, पूरा मकान बनाया, यू नो फ्लैट बनाया, जो भी किया, उसने रहने का उसको टाइम ही नहीं होता था। बिल्कुल, क्या होता था उसकी लाइफ में, वो भागते नहाता था और भागते ही खाता था। और सबसे बड़ी बात तो दवा की गोली लेना भी कोई और याद दिलाता था। बिल्कुल, मगर अब थमे हुए हैं जिंदगी के रास्ते, है सुकून हर तरफ, फिकर किसके वास्ते। क्या बात, क्या बात। और अब ये है कि मन लगा के खाता है और बेफिक्री से नहाता है। क्या बात, दवा सबसे बड़ी बात है, दवा लिए बगैर भी चैन से सो पाता है। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज जो हम लोगों को काफी ये भी नोटिस किया हम लोगों ने कि सुबह सुबह जो बर्ड्स की आवाज पहले आती थी बहुत ही कभी इक्का दुक्का, ये आजकल काफी यू नो प्रोमिनेंट है। तो उस पे और दूसरी बात है कि पॉल्यूशन जो है लेवल एकदम ड्रास्टिकली डाउन हुआ है, एटलीस्ट यू नो हम लोग। वो तो इंडिया ने कमाल कर दिया वाकई। हाँ, तो उस पर थोड़ा वो लिखा है कि कोयल की कूक ही उसे रोज सुबह उठाती है और हवा की गंदगी उसे अब नहीं सताती है। वाह बहुत खूब। और सबसे बड़ी बात यह है, कम है जरूरतें, कम ही सब सामान है, और फुर्सतों से जिंदगी की एक नई नई पहचान है। और लास्ट में एक मैसेज सुनिए मनीष जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्योर। कि खुद से गुफ्तगू करने का मजा ही कुछ और है, वक्त की जफा में भी छिपा हंसी पैगाम यह है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन सुनील जी, बहुत अच्छी, आप बड़े अच्छे शब्दों को हेर फेर करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा लगी मुझे तो, बहुत पसंद आई कविता है। और इसको आपने शेयर कहीं ब्लॉग पे आप है या फेसबुक है वहां पे आपने शेयर की हुई है? नहीं तो आप हमें लिख के भेज दे तो हम अपने श्रोताओं के साथ अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। जी जरूर जरूर, बहुत बढ़िया। चलिए आप भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो आपका ही एक गाया हुआ एक बड़ा प्यारा गीत है, ऐ मेरे प्यारे वतन। कुछ उसकी दो लाइनें आप सुना दीजिए, उसके बाद हम श्रोताओं को आपके इस गीत को लगा देते हैं सबके लिए। हाँ, ये एक्चुअली ये जो गीत है मेरे दिल के काफी करीब है, बिकॉज जब हम लोग कंट्री से बाहर जाते हैं, अपनों से दूर होते हैं, जी हाँ, तो जिस तरह से हम लोगों को ये मतलब ये इस तरह का माहौल याद आ रहा है कि उस कंट्री की कोई भी चीज है, कोई मिल जाए, दिख जाए, उस तरह से मतलब कई बार तो ये लगता है कि यार उस कंट्री का कोई आदमी दिख जाए, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती थी बात में, कोई भी इंडियन पता दिखना चाहिए तो मतलब ऐसा लगता है कि अरे वो जा रहा इंडियन। बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना। मैं तो, मुझे तो 25 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, मैं तो अभी भी भारत को बहुत याद करता हूं, और ये गीत मेरे को जब भी सुनता हूं मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। तो आप अपनी आवाज में कुछ गुनगुना दीजिए। Exactly. और अभी बात करते करते भी मेरे इमोशनल होता जा रहा हूं, भारत की याद आ रही है। तो ये गाना इस तरह से है, मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी
ये प्यारा सा गीत आपकी आवाज में विद म्यूजिक के साथ। जी हाँ, आप दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और हम बात कर रहे हैं श्री सुनील तपाड़िया जी से, जो कि मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम नई दिल्ली। हम बहुत सारी भारत की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और इनके सिंगिंग टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के 24 घंटे सातों दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और इस गीत ने तो वाकई हम सबको इमोशनल कर दिया। बहुत याद आ रही है जी हाँ, अपने भारत की, अपने घर वालों की, जो कि भारत में हैं, लॉकडाउन में हैं। और आप लोग भी अगर भारत में आपके रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, तो उनसे ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन सोशल डिसकनेक्शन बिल्कुल मत बना के रखिए। उनसे गपशप करते रहिए, बातें करते रहिए, और स्पेशली जो हमारे जो माँ बाप हैं, जी हाँ, अगर आपके माँ बाप अकेले रह रहे हैं तो दे मस्ट बी गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। मैं समझ सकता हूँ, मेरे माँ बाप हैं, बनारस में ही हैं, और दे आर डेफिनेटली हैविंग अ टफ टाइम बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन पर काफ़ी
मेंटली और हेल्थ पे असर तो पड़ा ही है, क्योंकि वो थोड़े से, क्योंकि वो ना किसी से मिल सकते हैं, ना कोई उनके घर आ सकता है, जो कि हम भारत में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता था। तो और नीचे अगर जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे भी मिलने जाएं तो उनको डर रहता है, क्योंकि वनरेबल पीपल हैं, 70+ लोग हैं, उनको कभी इन्फेक्शन पकड़ लेगा तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू रिकवर फ्रॉम दे। तो चलिए, आप अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि रोज़ फ़ोन कीजिए, मदर्स डे फादर्स डे आप साल में एक बार करते थे, तो आज रोज़ ही उनसे फ़ोन करके मदर्स डे फादर्स डे मनाइए, या रिश्तेदारों के हालचाल पूछते रहिए। चलिए, मेरे साथ इस समय लाइन पर मौजूद हैं नई दिल्ली से श्री सुनील तपारिया जी, जो कि मेरे मित्र हैं, मित्र अभी भी हैं जी, पहले थे, हम साथ में पले बड़े थे, IIT हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनारस से ही किया, BHU हिंदू यूनिवर्सिटी से 1989 में पास आउट हुए, और ये दिल्ली चले गए, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया। दिल्ली से बातें हो रही हैं, इनकी सिंगिंग और इनके जो कविताओं के टैलेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुनील भाई, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है। और चलिए, और जाते जाते कुछ आप विशेष संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, और स्पेशली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भाई बहन सुन रहे हैं, भाई बहन, बहने नहीं, बहने नहीं है वो लोग जिनको मैं 6 लड़कियां हुआ करती थी हमारे, तो और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़कियां थी, क्यों मैं उनको बहने नहीं बना रहा हूँ, ये अभी तो मेरी बीवी सुनेगी तो मैं बहन बना लिया, लेकिन वैसे मैं बहन नहीं है उनको कोई विशेष जी कुछ संदेश देना चाहेंगे कुछ, क्योंकि वो सुनेंगे तो जरूर रिकॉर्डिंग में ये मैं जो प्रोग्राम है। आई थिंक महेश भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अगर जिंदगी का, आप भी एग्री करेंगे कि अगर जिंदगी का जो एक सिल्वर हीरा था तो वो 4 साल थे कॉलेज के। बहुत बढ़िया, इतनी बेफिक्री वाली मस्ती, इतना कॉमरेडरी, एक दूसरे की टांग खींचना, फिर मिल जाना, और इतना बढ़िया टाइम मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। गोल्डन डिस्क, अभी जो अभी आपने नई मूवी आई थी छिछोरे देखी थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, वो पूरी वैसी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी एकदम रूपरेखा बना के, बहुत मजा आया। ऐसे 3 इडियट्स जैसे थे, तो वो खैर जमाना वापस आ ही नहीं सकता है वो। और आजकल के जो बच्चे, हमारे बच्चे हैं, दे कांट इवन थिंक ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ, बिकॉज ये तो आजकल डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया पे जीते हैं, तो ये लोग तो ये तो है। सबका अपना अपना एक्चुअली इरा, टाइम होता है, तरीके होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो जो फेज होता है वो लाजवाब होता है। Absolutely. मैं अभी भी मिस करता हूँ, इनफैक्ट हम लोग काफी मिलते भी रहते हैं दिल्ली में, काफी सारे फ्रेंड्स है, 8-10 लोग हम लोग कभी भी मिलते रहते हैं, और उसी गर्मजोशी से हम लोग मिलते हैं, जैसे कि मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले तो हम लोग साथ हुए हैं, तो वो अभी भी बरकरार है, वो रहनी भी चाहिए। तो बहुत बढ़िया, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा अपने सारे दोस्तों को कि आई स्टिल मिस यू एंड आई वुड लाइक टू प्रिजर्व दिस काइंड ऑफ कॉमरेडरी थ्रू आउट माय लाइफ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत फैंटास्टिक, और अब पता नहीं कब मिलना होगा, अब कब ये लॉकडाउन का मिलेंगे, जरूर मिलेंगे मनीष भाई आपसे, अगर यहाँ नहीं तो हो सकता बनारस में मुलाकात हो, जरूर सुबह बनारस में जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये अंतर्राष्ट्रीय विमाने भी नहीं उड़ेंगे, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो एकदम बैंड हो जाएगी, कोई ना इधर से देश, डोमेस्टिक ट्रैवल तो शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से 2-3 महीने में, 4 महीने में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल की तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा। और स्पेशली फिजिकल डिस्टेंस चाहे रहे न रहे, दिलों की दूरियां वो कभी नहीं रहनी चाहिए। वाह क्या बात है, दिलों से हम लोग मिलते रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जाते जाते आपने यार दोस्तों की बात की, तो प्रदीप भाई, प्रदीप सेन जी हैं, प्रदीप भाई अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला का वो जोक मेरा उनको बहुत याद आता है, जब देखो वो अब्दुल्ला करते रहते हैं, ऑन एयर वो जोक नहीं सुना सकते, लेकिन ऑफ एयर जी कभी आपको सुना सकते हैं। चलिए, जाते जाते कुछ आपका एक और प्यारा सा गीत है सुनील भाई, जलते हैं जिसके लिए, वो आप अपनी आवाज में सुना दीजिए, फिर हम मैं ये लगा देता हूँ और फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। वाह, और ऐसे ये दिए जो पॉजिटिव
नोट पे आपने छोड़ दिया, ऐसे दिए जलते रहे और खुशियों के दिए जलते रहे, हंसी खुशी के दिए जलते रहे, मुस्कुराने के दिए जलते रहे, चाहे वो लॉकडाउन में हो चाहे कोरोना वायरस से बाद भी। और सभी यार दोस्त जो हमारे सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैच वाले, इन सभी के लिए ये आप सबके जीवन में भी ऐसे हंसी खुशी के दिए हमेशा जलते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव गाना आप छोड़ जा रहे हैं। थैंक यू सुनील भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसे ही लगे। थैंक यू मनीष भाई, बहुत मजा आया आपसे मिलके बात करके। बिल्कुल, थैंक यू। और बस ऐसे ही लगे रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, लिखते रहिए और हमें हमारे साथ शेयर करते रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन। तड़का लगा के आपने बहुत अच्छा तड़का लगाया, हमेशा याद रहेगा। इट विल बी, मेरा तो आज दिन बन गया और आशा करता हूँ श्रोताओं आप लोगों का भी मज़ा आया होगा ये इंटरव्यू सुन के और इनके प्यारे प्यारे गीत इनकी आवाज़ में सुन के। थैंक यू सुनील भाई, टेक केयर, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, इंजॉय योर लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन, मस्ती करते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू योर वाइफ अरुणा जी एंड आपके बच्चों, बच्चों को भी हमारा प्यार और आशीर्वाद। जरूर जरूर जरूर, आई विल पास द मैसेज तड़का लगा के। तड़का लगा के, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, और आप सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद तड़का लगा के। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं
जी दोस्तों, तुझी से मैं प्यार करूं। और देखिए हमारे कितने सारे श्रोता हमसे प्यार करते हैं, हमेशा फीडबैक देखते हैं, फीडबैक भेजते रहते हैं अपने ऐप के द्वारा। जी हाँ, जिस ऐप से आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद का, एक एंड्रॉयड का ऐप है और एक आईओएस का ऐप है। एप्पल डिवाइसेस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे कहीं भी किसी कोने में, देश के किसी कोने में, क्या पूरे विश्व के किसी कोने में आप सुन सकते हैं 24 घंटे सातों दिन। और हमें रवि भाई जो कि जापान में सुनते हैं हमेशा, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्यारा सा मैसेज भेजा, छोटी सी कविता अपने हाथ से लिखी भेजी है या व्हाट्सएप से कॉपी करके भेजी है ये मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सुनील जी से उनका इंटरव्यू, मैंने जो इंटरव्यू लिया उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, और देश को वो भी याद रख रहे हैं जापान में रह के, कह रहे हैं कि ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, ना तुम दूर जाना ना हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी का ये सफ़र, बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी का ये सफ़र, आप अपने घर से याद करना और हम अपने घर से मुस्कुराएंगे। क्या बात है, ऐसे ही हम आपको याद करेंगे, आप अपने घर से मुस्कुराइएगा, ऐसे ही कोरोना को भारत से भगाएंगे। तन से नेगेटिव और मन से पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें और हम, और स्वस्थ रहेगा हमारा देश। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉजिटिव मैसेज आपने भेजा है रवि भाई, अच्छा लगा आपसे आपका ये मैसेज पाकर। दोस्तों आप लोग भी आप भेजते रहिए, जी हाँ, टेक्स्ट मैसेज भेजते रहिए ऐप के द्वारा। जी हाँ, ऐप में जैसे मैं बात कर रहा था उसमें छोटा सा मेन्यू बार है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट सॉन्ग है, वहाँ से भी फीडबैक हमें मिलता रहता है। आप ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com, फेसबुक से आप जोड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा नंबर आपके पास है तो उस पर भी आप टेक्स्ट, व्हाट्सएप और कैसे भी, जी हाँ, कुछ भी भेज सकते हैं। और नंबर आप नोट कर लीजिए 04218980095। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो +61 लगाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आप सब से बात करके बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन जाते जाते एक और खुशखबरी की बात मैं बताऊं कि भारतीय रेलवे ने, जी हाँ, भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं 167 साल, यानी 167 ईयर्स इन्होंने पूरे कर लिए हैं। बधाई हो, बधाई हो। जी हाँ, इनकी कल एनिवर्सरी थी, इंडियन रेलवे की एनिवर्सरी थी। और आपको बता दूं कि 16 अप्रैल 1853, यानी 16 अप्रैल 1853 में, कल के ही दिन देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। जी हाँ, और अभी ये हालात है कि 40 दिन तक ये ट्रेन नहीं चलने वाली है। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते ये पहली बार हुआ इतिहास में कि जब सारी ट्रेनें एकदम रुक गई हैं। जी हाँ, इन पे ब्रेक लग गया है। तो कई घटना की याद करें, भारतीय रेलवे ने इस पर शेयर किया है कि कई सारी घटनाएं हुई उस 167 साल में, जिसके पहिए पर इससे पहले भी कभी ब्रेक नहीं लगा। लेकिन पहला तो था कि भारतीय रेलवे की शुरुआत के बाद दो विश्व युद्ध हुए और उस दौरान भी ट्रेन चलती रही। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ और फिर महामारी भी फैली, लेकिन ट्रेन का संचालन पे कभी भी ब्रेक नहीं लगा। और ये पहली बार है कि जब यात्री ट्रेन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, और आपको बता दूं कि इसमें जो ट्रैवल करते हैं भारतीय रेल में, ये कोरोना वायरस से पहले, लॉकडाउन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 23 मिलियन लोग रोज इस पे सफ़र करते हैं। 23 मिलियन से अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 22 मिलियन, तो करीब पूरा ऑस्ट्रेलिया एक दिन में इस ट्रेन में सफ़र करता है। बधाई हो, बधाई हो इंडियन रेलवेज़ को। और एक जो सबसे पहली ट्रेन जो चली थी, जी हाँ, सबसे पहली ट्रेन जो चली थी, मैं वो चली थी मेरे ख्याल से मुंबई से चली थी, मुंबई में ही चली थी शायद वो, मुंबई, हाँ मुंबई में थी, और पोरबंदर स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे कहते हैं, और से चली थी और ठाणे के बीच चली गई। इसमें करीब 400 लोगों ने सफ़र किया था। ये जो रेल यात्रा थी करीब 34 किलोमीटर की थी। तो बस, और मैं जैसे आंकड़े आपको बता रहा था, भारत में रोज़ाना 20,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, है ना, कितना बढ़िया। और इसमें जैसे, और ये भारतीय रेलवे जो है एशिया नेटवर्क, एशिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
चलिए नेटवर्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी खुशखबरी यह है कि आज से क्वांटास और वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड की हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको कुछ राहत दी है, यानी 165 मिलियन का उनको पैकेज दिया गया है, तो उससे क्या है थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर उन पर हटा है और ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलेंगी ये ऑल स्टेट एंड टेरिटरी कैपिटल्स को जोड़ेंगी इंक्लूडिंग ऑलबरी, एलिस स्प्रिंग्स, कॉफ्स हार्बर, डबो, कलगरी, मिलजुरा, पोर्ट लिंकन, रॉकहैम्पटन, टैमवर्थ, टाउन्सविल और वागा वागा के बीच भी चलेंगी। तो ये लेकिन सरकार जो है ऑस्ट्रेलियन सरकार जो ये कह रही है कि जब आपका असेंशियल ट्रैवल हो तभी आप ट्रैवल कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वार्निंग भी दे सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट पे गए और आप खाली घूमने पर फिरने के पर्पस से बिल्कुल भी आप ना निकलें। तो डोमेस्टिक ट्रैवल ओनली व्हेन इट इज़ असेंशियल, असेंशियल उसमें हो सकता है कि कोई इमरजेंसी है, आप अपने माता पिता से कोई तबीयत हालचाल पूछने जा रहे हैं या अपने बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए ये प्लेन्स चलना शुरू हो गया। चलिए दोस्तों आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, एक घंटा निकल गया पता ही नहीं चला और आज फ्राइडे का दिन है, कोई बात नहीं, फ्राइडे क्या सैटरडे संडे मंडे सब एक जैसा ही है, तो आप लोग इंजॉय कीजिए अपना फ्राइडे और मैं अपने होम बेस्ड वर्क पे जाता हूँ वापस और आप सब लोग भी लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के 24 घंटे सातों दिन अब आपके हाथ में आपके साथ में और लॉकडाउन के सफर में केवल रेडियो मनपसंद ही आपके साथ में है। तो आप इसको कभी भी आपका मन करे, कभी आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, मूड ऑफ है, अपने मियां बीबी किसी लड़ाई पिटाई हो गई तो कोने में जाइए अपने कमरे में बंद हुई और लगा लीजिए रेडियो मनपसंद, इसमें नए पुराने हर तरह के गीत मिलेंगे और ये प्रोग्राम जो आपने सुन रहे हैं जी 10 से 11 बजे का प्रोग्राम ये रिकॉर्डेड हो रहा है और इसको आप सुन सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टाइम 4 से 5 बजे और आज ही रात को 10 से 11 बजे। और जब आपने मेरे मित्र श्री सुनील तपाड़िया जी का इंटरव्यू सुना तो इसकी रिकॉर्डिंग इंडिया वालों भारत वालों जो सुन रहे हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं आपके समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के समय के मुताबिक होगा सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और फिर इसका फिर एक और रिपीट चलेगा शाम को 4:30 बजे साढ़े पाँच बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो आप लोग लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, आप ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए बिंदास रहिए और बस लगे रहिए सुनते रहिए। और जाते जाते एक और गुलजार साहब की मेरे को एक कविता याद आ रही है, गुलजार साहब मेरे ख्याल से लॉकडाउन में अच्छे अच्छे कविता लिख ही रहे होंगे, उनके गीत जल्द ही बॉलीवुड मूवीज़ में आएंगे, बॉलीवुड मूवीज़ चाहे भले रिलीज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं। तो गुलजार साहब की कविता ये है कि बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, जी हाँ बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है, सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, ज़िंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में है वजह काफ़ी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह हैं काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। बहुत खूब गुलजार साहब, आपकी कविता ने वाकई रंग जमा दिया, तड़का लगा दिया मेरे प्रोग्राम में, लगे रहिए सुनते रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड मैं आपसे मिलूंगा संडे की सुबह 10 से 12 बजे, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, टेक केयर बाय बाय। और जाते जाते हमारे सुनील जी की पसंद का ये प्यारा सा गीत छोड़ा जाता हूँ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में, वो वाला धुआं नहीं सिगरेट वाला नहीं, वैसा वाला धुआं, जी हाँ पीना बंद कीजिए चाहे वो सिगरेट हो चाहे दारू शारू, और लेकिन फिक्र को मस्ती में खुशी से मनाइए, जी हाँ चाहे आप लॉकडाउन में हो सोशल डिस्टेंसिंग में हो किसी में भी हो इंजॉय कीजिए ये जिंदगी, फिर नहीं मिलेगी दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, have a lovely day and have a lovely weekend. Main zindagi ka saath nibhata chala gaya, har fikr ko dhume mein udata chala gaya, हर फिक्र को धुएं में उड़ा,
बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय की रक्षा के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का अभ्यास करें। अपनी हाथों को नियमित रूप से धोएं, जब तक आवश्यक ना हो सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। यूएई कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये समय आपके योगदान का है, इस मुहिम में देश का सहयोग करें। हम सब इसमें एक साथ हैं। यूएई हमारा घर जैसा है और आओ इस कठिन परिस्थिति में हम मिलकर अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा करें। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कर लिया शामिल मुझे।
Australia, this is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. Hey
ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था खाली राह हम आँख मूंदे जाए पहुंचे कहीं तो बेवजह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के हे सुलझे नमस्कार मैं हूं आरजे किशोर नंगरानी हाथ नहीं मिला सकते कोई बात नहीं दिल फिर भी मिलते रहें बात बस है इतनी ही गले नहीं मिल सकते कोई बात नहीं मन फिर भी मिलते रहें बात बस है इतनी ही दूरी रखना है जरूरी कोई बात नहीं पास फिर भी रहें बात है बस इतनी ही फासलों के इस दौर में रेडियो मनपसंद आपके साथ है चौबीसों घंटे सातों दिन लगे रहिए सुनते रहिए तड़का लगा के Hello Australia, this is Prabhudeva. You are listening to Radio Manpasand.